छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एक्शन को लेकर कहा कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी को पकड़ लूं तो प्रधानमंत्री का नाम बोल दूं तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ की जाएगी? अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूँ दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है, मेल की कैथेंटिसिटी क्या है, उस मेल के विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपये थे, उसकी जाँच की हो? बिना जाँच किया आपने आरोप लगा।